प्रतिष्ठा के अंगभूत शिलान्यास की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब मैं संक्षेप से और क्रमशः प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पीठ शक्ति है और लिंग शिव, इन दोनों पीठ और लिंग अथवा शक्ति और शिव के योग में शिव संबंधी मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की विधि संपादित होती है। प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा आदि पांच भेद हैं, उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मशिला का योग हो वहाँ विशेष रूप से की हुई स्थापना प्रतिष्ठा कही गई है। पीठ पर ही यथा योग्य जो अर्चा विग्रह को पधराया जाता है उसे स्थापन कहते हैं। प्रतिष्ठा ब्रह्मशिला से भिन्न के स्थापना को स्थिर स्थापना कहते हैं। लिंग के आधार पूर्वक जो स्थापना होती है उसे उत्थापन कहा गया है। जिस प्रतिष्ठा में लिंग को आरोपित करके विद्वानों द्वारा उसका संस्कार किया जाता है उसकी आस्थापन संज्ञा है। ये शिव प्रतिष्ठा के पांच भेद हैं। आस्थापन और उत्थान भेद से विष्णु आदि की प्रतिष्ठा दो प्रकार की मानी गई है। इन सभी प्रतिष्ठाओं में चैतन्य स्वरूप परम शिव का नियोजन करें। पद्भवा आदि भेद से प्रासादों में भी पांच प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। प्रासाद की इच्छा से पृथ्वी की परीक्षा करें। जहाँ की मिट्टी का रंग श्वेत हो और घी की सुगंध आती हो वो भूमि ब्राह्मण के लिए उत्तम बताई गई है। इसी तरह क्रमशः क्षत्रिय के लिए लाल तथा रक्त की सी गंध वाली मिट्टी, वैश्य के लिए पीली और सुगंध युक्त मिट्टी वाली तथा शूद्र के लिए काली एवं सुराकी सी गंध वाली मिट्टी से युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गई है। पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सबोर नीची और मध्य में ऊंची भूमि प्रशस्त मानी गई है। एक हाथ गहराई तक खोद कर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाती है तो वहाँ की भूमि को उत्तम समझें अथवा जल आदि से उसकी परीक्षा करें। हड्डी और कोयले आदि से दूषित भूमि का खोदने, वहाँ गौओं को ठहराने अथवा बारंबार जोतने आदि के द्वारा अच्छी तरह शोधन करें। नगर, ग्राम, दुर्ग, ग्रह और प्रासाद का निर्माण कराने के लिए उक्त प्रकार से भूमि शोधन आवश्यक है। मंडल में द्वार पूजा से लेकर मंत्रण पर्यंत संपूर्ण कर्म का संपादन करने के विधि पूर्वक घोरास्त सहस्त्र याग करें। बराबर करके लिपि हुई भूमि पर दिशाओं का साधन करें। सुवर्ण, अक्षत और दही के द्वारा प्रदीक्षिणा कर्म से रेखाएं खींचें। मध्य भाग में ईशान कोष्ठ में स्थित भरे हुए कलश में शिव का पूजन करें, फिर वास्तु की पूजा करके उस कलश के जल से कुदाल आदि को सींचे। मंडप से बाहर राक्षसों और ग्रहों का पूजन करके दिशाओं में विधि पूर्वक बलि दें। कलश में पूजा करके लग्न आने पर अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में पहले जिसका अभिषेक किया गया था उस मधुलिप्त कुदाल से धरती खुदवावें और मिट्टी को नैऋत्य कोण में फेंके। खोदे गए गड्ढे में कलश का जल गिरा दे, फिर भूमि का अभिषेक करा के कुदाल आदि को नहलाकर उसका पूजन करें। तत्पश्चात दूसरे कलश को दो वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण के कंधे पर रखकर गाजे बाजे और वेद ध्वनि के साथ नगर की पूर्व सीमा के अंत तक जितनी दूरी तक जाना अभिष्ट हो उतनी दूर ले जाएं और वहां क्षण भर ठहर कर वहां से नगर के चारों ओर प्रदीक्षिणा कर्म से चलते हुए ईशान कोण तक उस कलश को घुमावें। साथ ही सीमांत चिन्हों का अभिषेक करता रहे। इस प्रकार रुद्र कलश को नगर के चारों ओर घुमाकर भूमि का परिग्रह करें। इस क्रिया को अर्धदान कहा गया है। तदनंतर शल्य दोष का निवारण करने के लिए भूमि को उतनी गहराई तक खुदवावें जिससे कंकड़ पत्थर अथवा पानी दिखाई देने लगे, अथवा यदि शल्य हड्डी आदि का ज्ञान हो जाए तो उसे विधि पूर्वक खुदवा कर निकाल दें। यदि कोई लग्न काल में प्रश्न पूछे तो उसके मुख से अ क च ट त प स और ह इन वर्गों के अक्षर निकले तो इनकी दिशाओं में शैल्य की स्थिति सूचित होती है, अथवा द्विज आदि वहां गिरे तो ये सब उस स्थान में शैल्य होने की सूचना देते हैं। कर्ता के अपने अंग विकार से उसके ही बराबर शैल्य होने का निश्चय करें। पशु आदि के प्रवेश से, कीर्तन से तथा पक्षियों के कलरवों से शैल्य की दिशा का ज्ञान प्राप्त करें। किसी पट्टी पर या भूमि पर अकारादि आठ वर्गों से युक्त मात्र का वर्णों को लिखें। वर्ग के अनुसार क्रमशः पूर्व से लेकर ईशान तक की दिशाओं में
शैल्य की जानकारी प्राप्त करें। अवर्ग में पूर्व दिशा की ओर लोहा होने का अनुमान करें। क वर्ग में अग्निकोण की ओर कोयला जाने। च वर्ग में दक्षिण दिशा की ओर भस्म तथा ट वर्ग में नैऋत्य कोण की ओर अस्थि का होना समझे। त वर्ग में पश्चिम दिशा की ओर ईंट। प वर्ग में वायव्य कोण की ओर खोपड़ी। य वर्ग में उत्तर दिशा की ओर मुर्दे और कीड़े आदि। और स वर्ग में ईशान कोण की ओर लोहे का होना बतावे। इसी प्रकार ह वर्ग में चांदी होने का अनुमान करे। श वर्ग युक्त दिग्भाग से उसी दिशा में अन्य अनर्थकारी वस्तुओं के होने का अनुमान करे। एक एक हाथ लंबे 9 शिलाखंडों का प्रोक्षण करके उन्हें 8-8 अंगुल मिट्टी के भीतर गाड़ दें। फिर वहां पानी डालकर उन पर मुंदर से आघात करें। जब वे प्रस्तर 3/4 भाग तक गड्ढे के भीतर धंस जाए तब उस खात को भरकर लीप पोत कर वहां भूमि को बराबर कर दें। ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्ध हाथ में लिए आगे बताए जाने वाले मंडल या मंडप की ओर जाए। मंडप के द्वार पर द्वारपालों का पूजन आदर सत्कार करके पश्चिम द्वार से उसके भीतर प्रवेश करे। वहां आत्मशुद्धि आदि कुंड मंडप का संस्कार करे। कलश और वारधानी आदि का स्थापन करके लोकपालों तथा शिव का अर्चन करें। अग्नि का जनन और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत करें। तत्पश्चात गुरु यजमान के साथ शिलाओं के स्थान मंडप में जाए। ये शिलाएं प्रसाद लिंग के 4 पाए हैं। उनके नाम हैं अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि। उनकी ऊंचाई 8 अंगुल की हो तो अच्छी मानी गई है। वे चौकोर हों और उनकी लंबाई 1 हाथ की हो तो इस माप से प्रस्तर की शिलाएं बनवानी चाहिए। ईंटों की शिलाओं का माप आधा होना चाहिए। प्रस्तर खंड से बने हुए प्रासाद में जो शिलाएं उपयोग में लाई जाएं अथवा ईंटों के बने हुए मंदिर में जो ईंटें लगे उनमें से 9 शिलाएं अथवा ईंटें वज्र आदि चिन्हों से अंकित हों अथवा 5 शिलाएं कमल के चिन्हों से अंकित हों। इन अंकित शिलाओं से ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। 5 शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन 5 के निधि कुंभ इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर और समुद्र। 9 शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजीता, अपराजिता, विजया, मंगला और 9वीं शिला धरणी है। इन 9 के निधि कलश क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए: सुभद्र, विभद्र, सुनंद, पुष्पदंत, जय, विजय, कुंभ, पूर्व और उत्तर। प्रणवमय आसन देकर अस्त्र मंत्र से ताड़न और उल्लेखन करने के पश्चात इन सब शिलाओं को सामान्य रूप से कवच मंत्र से अवगुंठित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र के अंत में ओम फट लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, कषाय तथा गंधयुक्त जल से मल स्नान करावें। तत्पश्चात विधि पूर्वक पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंधयुक्त जल से स्नान कराने के अनंतर अपने नाम से अंकित मंत्र द्वारा फल रत्न, सुवर्ण तथा ग्रोश्रिंग के जल से और चंदन से शिला को चर्चित करके उसे वस्त्रों से आच्छादित करें। कुडत्त आसन देकर याग मंडप की परिक्रमा करके उस शिला को ले जाएं और हृदय मंत्र द्वारा उसे शैया अथवा कुश के बिस्तर पर सुला दें। वहां पूजन करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूहों का न्यास करने के पश्चात त्रिखंड व्यापक तत्व त्रय का उन शिलाओं में क्रमशः न्यास करें। बुद्धि से लेकर चित्त तक, चित्त के भीतर मात्रका तक और तन्मात्रा से लेकर पृथ्वी पर्यंत शिव तत्व, विद्या तत्व तथा आत्म तत्व की स्थिति है। पुष्पमाला आदि से चिन्हित स्थानों पर क्रमशः तीनों तत्वों का अपने मंत्र से और तत्वेशों का हृदय मंत्र से पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शिव तत्वाय नमः। ओम हा शिव तत्वाधिपाय रुद्राय नमः। ओम हा विद्या तत्वाय नमः। ओम हा विद्या तत्वाधिपाय विष्णवे नमः। ओम हा आत्म तत्वाय नमः। ओम हा आत्म तत्वाधिपते ब्राह्मणे नमः।
प्रत्येक तत्व और प्रत्येक शिला में पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश इन 8 मूर्तियों का न्यास करें। फिर क्रमशः शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर या ईशान, महादेव या भीम इन मूर्तीश्वरों का न्यास करें। मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरों के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम धरा मूर्ताय नमः, ओम धराधिपतये शर्वाय नमः। इसके बाद अनंत आदि लोकपालों का क्रमशः अपने मंत्रों से न्यास करें। इंद्र आदि लोकपालों के बीज आगे बताए जाने वाले क्रम से यूं जानने चाहिए। नू रू यू व्रू श्रू शू श्रू हूं शू। ये 9 शिलाओं के पक्ष में बताया गया है। जब 5 पद की शिलाएं हों तब प्रत्येक तत्वमयी शिला में स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि 5 मूर्तियों का न्यास करें। उक्त मूर्तियों के 5 मूर्तीश इस प्रकार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन 5 का उक्त 5 मूर्तियों में पूर्ववत पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, ओम पृथ्वी मूर्तधिपतये ब्राह्मणे नमः इत्यादि मंत्र पूजन के लिए जानने चाहिए। क्रमशः 5 कलशों का अपने नाम मंत्रों से पूजन करके उन्हें स्थापित करें। मध्य शिला के क्रम से विधि पूर्वक न्यास करें। विभूति, कुशा और तिलों से अस्त्र मंत्र द्वारा प्राकार की कल्पना करें। कुंडों में आधार शक्ति का न्यास और पूजन करके तत्वों, तत्वाधिपों, मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरों का धृत आदि से तर्पण करें। तत्पश्चात ब्रह्मात्म शुद्धि के लिए मूल के अंग भूत ब्रह्म मंत्रों द्वारा क्रमशः 100-100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति पर्यंत होम करने के पश्चात शांति जल से शिलाओं का प्रोक्षण पूर्वक पूजन करें। कुशाओं द्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्व में क्रमशः सान्निध्य और संधान करके फिर शुद्ध न्यास करें। इस प्रकार जा जाकर 3 भागों में कर्म करें। मंत्र यूं हैं। ओम आमिम आत्म तत्व विद्या तत्वाभ्याम नमः इति। कुश के मूल आदि से क्रमशः तत्वेश आदि 3 का स्पर्श करें। इसके बाद ह्रस्व दीर्घ के प्रयोग पूर्वक तत्वानुसंधान करें। इसके लिए मंत्र यों हैं। ओम इम विद्वा तत्व शिव तत्वाभ्याम नमः। तदनंतर घी और मधु से भरे हुए पंचरत्न युक्त और पंचगव्य से अग्रभाग में अभिषिक्त 5 कलशों का जिनके देवता पंच लोकपाल हैं अपने मंत्रों से पूजन करके उनके निकट होम करें। फिर समस्त शिलाओं के अधिदेवताओं का ध्यान करें। वे शिला देवता विद्या स्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान उद्दीप्त होती है। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं और समस्त आभूषणों से संपन्न है। न्यूनतादि दोष दूर करने के लिए तथा वास्तु भूमि की शुद्धि के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा पूर्णाहुति पर्यंत 100-100 आहुतियां दें। वास्तु पूजा विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद तदनंतर प्रासाद को आत्र सूत्रित करके वास्तु मंडल की रचना करें। समतल चौकोर क्षेत्र में 64 कोष्ठ बनवावे। कोनों में 2 वंशों का विन्यास करें। विकोर्ण गामिनी 8 रज्जुएं अंकित करें। वे द्विपद और षटपद स्थानों के रूप में विभक्त होंगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। कुंचित केशधारी वास्तु पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान यों करना चाहिए कि वो औधे मुंह पड़ा हुआ है। कोहनी से सटे हुए उसके दोनों घुटने वायव्य और अग्नि कोण में स्थित हैं, अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में और बायां घुटना अग्नि कोण में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैतृ नैऋत्य दिशा में स्थित हैं तथा उसका सिर ईशान कोण की ओर है। उसके हाथों की अंजलि वक्षः स्थल पर है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभ कारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं, जो 8 कोणार्धों में स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित मरीचि आदि देवता 6-6 पदों के स्वामी कहे गए हैं और उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता
एक एक पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी संपात, महामर्म, कमल, फल, त्रिशूल, स्वस्ति, वज्र, महास्वस्तिक, संपुट, त्रिकटी, मणिबंध तथा सुविशुद्ध पद ये 12 मर्म स्थान हैं। वास्तु की भित्ति आदि में इन सब का पूजन करें। ईशान रुद्र को धृत और अक्षत चढ़ावे। परजन्य को कमल और जल अर्पित करें। जयंत को कुमकुम रंजित निर्मल पताका दें। महेंद्र को रत्न मिश्रित जल, सूर्य को धूम्रवर्ण का चंदोवा, सत्य को धृतयुग्य गेहूं तथा भ्रष को उड़द भात चढ़ावे। अंतरिक्ष को विमांस, विशिष्ट फल का गूदा या औषध विशेष अथवा सक्तु सत्तु निवेदित करें। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। अग्निदेव को मधु, दूध और घी से भरा हुआ श्रुक अर्पित करें। पूषा को लाजा और विथत को सुवर्ण मिश्रित जल दें। ग्रहक्षत को शहद तथा यमराज को पलोदान भेंट करें। गंधर्वनाथ को गंध, भृंगराज को पक्ष जिह्वा तथा मृग को यवपर्ण जौ के पत्ते चढ़ावे। ये 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित होते हैं। प्रित देवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। दवारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन धेन मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करें। सुग्रीव को पुआ चढ़ावे, पुष्पदंत को कुशा अर्पित करें, वरुण को लाल कमल भेंट करें और असुर को सुरा एवं आसव चढ़ावे। शोष को घी से ओत प्रोत भात तथा पाप यक्षमा रोग को धृत मिश्रित मांड या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मारुत को पीले रंग का ध्वज, नाग देवता को नाग केसर, मुख्य को भक्ष पदार्थ तथा भल्लाट को छौंक बघार कर मूंग की दाल अर्पित करें। सोम को धृत मिश्रित खीर, चरक को शालुक, आदिति को लोपी तथा दिति को पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिशा के 8 देवता कहे गए। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशा में 6 पदों के उपभोक्ता मरीचक को मोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवता को लाल फूल चढ़ावे। सविता से नीचे वहीन कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से दक्षिण 6 पदों के अधिष्ठाता विवस्वान को लाल चंदन चढ़ावे। ब्रह्मा जी से नैऋत्य दिशा में नीचे के कोष्ठ में इंद्र देवता के लिए हल्दी भात अर्पित करें। इंद्र से नीचे नैऋत्य कोण में इंद्रजय के लिए मिष्ठान्न निवेदित करें। ब्रह्मा जी से पश्चिम 6 पदों में विराजमान मित्र देवता को गुड़ मिश्रित भात चढ़ावे। वायव्य कोण के नीचे के पद में रुद्र देवता को द्रक्पक अन्न अर्पित करें। रुद्र देवता से नीचे के कोष्ठ में रुद्रदास के लिए आंध्रमांस औषध विशेष निवेदित करें। तत्पश्चात उत्तरवर्ती 6 पदों के अधिष्ठाता पृथ्वीधर के निमित्त उड़द का बना नैवेद्य चढ़ावें। ईशान कोण के निम्नवर्ती पद में आपकी और उससे भी नीचे के पद में आपवत्स की विधिवत पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित करें। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तु मंडल में मध्यदेशवर्ती 4 पदों में स्थित ब्रह्मा जी को पंचगव्य, अक्षत और धृत सहित चरु निवेदित करें। तदनंतर ईशान से लेकर वायव्य कोण पर्यंत 4 कोणों में स्थित चर आदि की 4 मात्रकाओं का वास्तु के बाह्य भाग में क्रमशः पूजन करें, जैसा कि क्रम बताया जाता है। चरकी को सदृत मांस, फल का गुदा, विदारी को दही और कमल तथा पूतना को पल, वित्त एवं रुधिर अर्पित करें। पापराक्षी को अस्थि, हड्डी, मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावें। इसके पश्चात पूर्व दिशा में स्कंद को उड़द भात चढ़ावें। दक्षिण दिशा में अर्यमा को खिचड़ी और पुआ चढ़ावें तथा पश्चिम दिशा में जम्भक को रक्त मांस अर्पित करें। उत्तर दिशा में पिलिपिच्छ को रक्तवर्ण का अन्न और पुष्प निवेदित करें अथवा संपूर्ण वास्तु मंडल का कुश, दही, अक्षत तथा जल से ही पूजन करें। घर और नगर आदि में 81 पदों से युक्त वास्तु मंडल का पूजन करना चाहिए। इस वास्तु मंडल में त्रिपद और षटपद रज्जुएं पूर्ववत बनानी चाहिए। उसमें इष आदि देवता पदिक एक एक पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। आप आदि की स्थिति में 2-2 कोष्ठों में बताई गई है। मरीचि आदि देवता 6 पदों में अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं। नगर, ग्राम और खेट आदि में शतपद वास्तु का भी विधान है। उसमें 2 वंश कोणगत होते हैं, वे सदा दुर्जन्य और दुर्धर कहे गए हैं।
देवालयों में जैसा न्यास बताया गया है वैसा ही षटपद वास्तु मंडल में भी विहित है। उसमें स्कंद आदि ग्रह षटपद 6 पदों के अधिष्ठाता जानने चाहिए। चरकी आदि 5-5 पदों की अधिष्ठात्री कही गई हैं। रज्जु और वंश आदि का उल्लेख पूर्ववत करना चाहिए। देश या राष्ट्र की स्थापना के अवसर पर 3400 पदों का वास्तु मंडल होना चाहिए। उसमें मध्यमवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवता के अधिकार में 54-54 पद होते हैं। आप आदि 8 देवताओं के स्थान 36-36 पद बताए गए हैं। वहाँ ईशान आदि 9-9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं और स्कंद आदि 100-100 पदों के। चरकी आदि के पद भी तदनुसार ही हैं। रज्जु वंश आदि की कल्पना पूर्ववत जाननी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तु मंडल में भी वास्तुदेव की पूजा होती है, ये जानना चाहिए। उसमें देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए। 25 पदों का वास्तु मंडल चिता स्थापन के समय विहित है, उसकी वताल संज्ञा है। दूसरा 9 पदों का भी होता है। इसके सिवा 116 पदों का भी वास्तु मंडल होता है। षटकोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदि के मध्य में चौकोर वास्तु मंडल का भी विधान है। ऐसा वास्तु खात निव आदि के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए उपयुक्त है। इसी के समान वास्तु ब्रह्मा शिलात्मक सृष्टन्यास में, शावाक के निवेश में और मूर्ति स्थापन में भी उपयोग होता है। वास्तु मंडलवर्ती समस्त देवताओं को खीर से नैवेद्य अर्पित करें। उक्त अनुक्त सभी कार्यों के लिए सामान्यतः 5 हाथ की लंबाई चौड़ाई में वास्तु मंडल बनाना चाहिए। ग्रह और प्रासाद के मान के अनुसार ही निर्मित वास्तु मंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है।